भारत सरकार ने अब ये सुनिश्चित किया है कि लिटिल एंट्री स्थापित दिशा निर्देशों के आधार पर की जाए, ताकि आरक्षण और आरक्षण प्रणाली पर कोई प्रभाव ना पड़े। युवाओं के लिए भी वर्तमान भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। ये भी कहा कि आम लोग बाबू और चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। राहुल गांधी ने बीते रविवार को कहा कि लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती राष्ट्र विरोधी कदम है। लेटरल एंट्री, आजकल ये शब्द खूब चर्चाओं में है। लेटरल एंट्री के जरिए सीनियर ब्यूरोक्रेसी में एक्सपर्ट्स की नियुक्ति वाली व्यवस्था सवालों के घेरे में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC ने लेटरल एंट्री से केंद्र में वरिष्ठ नौकरशाहों की नियुक्ति का विज्ञापन दिया। लेटरल एंट्री का मतलब निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सीधी भर्ती से है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों की भर्ती की जाती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे देश विरोधी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके खुलेआम आरक्षण छीना जा रहा है। सरकार ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के खिलाफ आवाज उठाई है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के दौरान आया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री सिस्टम की कांग्रेस द्वारा आलोचना उसका पाखंड दिखाती है। @9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वैष्णव ने कहा कि 2005 में UPA सरकार के समय बने प्रशासनिक सुधार आयोग ने लेटरल एंट्री के जरिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी। राहुल गांधी ने बीते रविवार को कहा कि लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती राष्ट्र विरोधी कदम है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाई से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग के बजाय RSS के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने हमेशा कहा है कि शीर्ष नौकरशाहों समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। सपा प्रमुख और UP के पूर्व CM अखिलेश यादव ने इस फैसले के खिलाफ 2 अक्टूबर से प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। यादव ने कहा भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से UPSC के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की साजिश कर रही है। उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन करने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि तरीका आज के अधिकारों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। ये भी कहा कि आम लोग बाबू और चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। दरअसल ये सारी चाल PDA ने आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। बसपा सुप्रीमो और पूर्व CM मायावती ने भी सरकार के इस फैसले को गलत बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। वो आगे कहते हैं, इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में SC यानी अनुसूचित जाति, ST यानी अनुसूचित जनजाति, OBC यानी पिछड़ा वर्ग समुदायों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन है। मायावती ने कहा कि इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्ति करना भाजपा सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैरकानूनी और असंवैधानिक है। विपक्ष के आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2005 वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइल की अध्यक्षता में स्थापित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि ARC ने लेटरल एंट्री जोरदार समर्थन किया था। वैष्णव ने कहा कि सप्रसंग शासनकाल में ARC ने विशेष ज्ञान की आवश्यकता वाले पदों में रिक्तियों को भरने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी। BJP की IT सेल के प्रमुख अमित बालविया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सच्चाई ये है कि UPA सरकार के दौरान इस तरह की लिटरल भर्ती बिना किसी प्रक्रिया के होती थी। उन्होंने कहा कि उस तथ्यवर्धा को समाप्त कर भारत सरकार ने अब ये सुनिश्चित किया है कि लिटरल एंट्री स्थापित दिशा निर्देशों के आधार पर की जाए, ताकि आरक्षण और आरक्षण प्रणाली पर कोई प्रभाव ना पड़े। अमित वालवे ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT द्वारा 2016 में जारी किए गए सरकारी ज्ञापन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि लिटरल भर्तियों में आरक्षण रोस्टर का प्लान किया जाए और SC, ST, OBC और विकलांग उम्मीदवारों के निर्धारित अनुपात बनाए रखने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 में इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की ऐसी ही कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा, लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलुवालिया जैसे कई प्रमुख लिटरल भर्ती वाले शख्सों के सवाल उठाए गए तो कांग्रेस तब रह गई थी। आइए जानते हैं कि लिटरल एंट्री से कैसे भर्ती करता है UPSC। UPSC ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर 45 विशेषज्ञों की नियुक्ति का
विज्ञापन निकाला। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS और भारतीय वन सेवा यानी कि IFOS और अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी तैनात होते हैं। UPSC ने शनिवार को 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया, जिनमें से 10 संयुक्त सचिव, 35 निदेशक, उप सचिव के पद शामिल हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना है। विज्ञापन में कहा गया कि भारत सरकार संयुक्त सचिव और निदेशक उप सचिव स्तर के अधिकारियों की लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति करना चाहती है। इस तरह राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के आकांक्षी प्रभावशाली भारतीय नागरिकों से संयुक्त सचिव या निदेशक उप सचिव के स्तर पर सरकार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विभिन्न मंत्रालयों विभागों में रिक्तियों को अनुबंध के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए प्रदर्शन के आधार पर 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है या फिर भरा जाना है। इसके लिए UPSC की वेबसाइट के माध्यम से 17 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि लेटरल एंट्री वालों की सैलरी कितनी होती है। UPSC की ओर से केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर लेटरल एंट्री से भर्ती 2018 से ही की जा रही है। अब तक लेटरल एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां की गई है, जिनमें से 35 नियुक्तियां निजी क्षेत्र से है। संयुक्त सचिव स्तर के पद के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 40 से 55 वर्ष है। अनुमानित सकल वेतन महंगाई, परिवहन और मकान किराए भत्ते सहित लगभग 2.7 लाख रुपए होगा। निदेशक स्तर के पद से न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को लगभग 2.32 लाख रुपए वेतन मिलेगा। उप सचिव स्तर के न्यूनतम आयु 32, अधिकतम आयु 40 वर्ग उम्मीदवार आंदोलन कर सकते हैं। इस स्तर पर उम्मीदवारों के लिए लगभग 1.52 लाख रुपए का सकल वेतन निर्धारित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।